हमें कुछ सोचना पड़ेगा, वरना वो यहाँ आकर हम सबको तंग करने वाले हैं। कौन तंग करने वाला है? श्री गणेश। हमें श्री गणेश के क्रोध से बचने की तैयारी करनी होगी। हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सज्ज रहना होगा दाऊ। वही हो ना जिसने 108 बार कहा था भगवान नहीं होते। हाँ। चून वाला भूत। ठहरो। सुबल, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम किसी मार्ग पर भी चलो, वो तुम्हें मेरी ओर ही लेके आएगा। तुम वही बच्चे हो ना जिसे बह जाने से बचाया गया था। हाँ। ऐसा चमत्कार होने के पश्चात भी जिस भगवान को तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए उन्हीं के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हो। चलो अब दोनों कान पकड़ के 108 बार उठक बैठक करोगी तुम। परंतु क्यों? अभी के अभी प्रारंभ करो, अन्यथा 108 नहीं 1008 बार करवाऊंगा। सुदामा, भूतों पर विश्वास रखते हो और चमत्कार वाले भगवान पे अविश्वास करते हो? नहीं। स्मरण करो, तुमने वृक्ष के सामने अपनी झोली फैलाई मीठे मीठे फलों के लिए। तुम्हारी झोली में फल किसने दिए? कान्हा ने। नहीं, भगवान ने। अब जाओ, जाकर नदी में डुबकियां लगाओ। जाओ, शीघ्र जाओ। बोलो, तुम्हारा धन 1008 बार कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं करती हूँ। तुम मुझे मीठे मीठे फल तोड़के दोगे उसी वृक्ष से। शीघ्र करो, मीठे मीठे फल होना चाहिए, खट्टे नहीं होने चाहिए। ये क्या हो रहा है? अच्छे से अंदर जाओ, डुबकियां लगाओ अच्छे से। तुम्हें स्मरण नहीं होगा कि सब मार्ग भगवान की ओर आते हैं, पर ये बात मैं हमेशा स्मरण कराता रहूंगा। ये कुछ सपना था? बच गया। कान्हा, तुमने इन्हें भी तैयारी के चक्कर में जगा दिया है क्या? नहीं तो? फिर उनके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ लग रहा है? मैं क्या जानू दाऊ, सारी ठिठोलियाँ केवल मैं नहीं करता। कान्हा, अवश्य कोई विशेष बात होगी, चलो मैं पूछ के आता हूँ। अरे नकचड़ी, आज इतनी चुप क्यों हो? ऊर्जा शेष नहीं है मुखिया जी। ऊर्जा? नहीं नहीं, कुछ नहीं दाऊ। कुछ नहीं तो तुम सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? निद्रा पूरी नहीं हुई है क्या? निद्रा तो आज के बाद कभी पूर्ण होगी ही नहीं। अर्थात? नहीं गाना, नहीं, फिर बोल मत ले जाओ, नहीं गाना, नहीं 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 नहीं। अरे अब क्या हो गया तुम सबको? भला खिलौने से कोई भयभीत होता है क्या? सूंड? क्या सूंड? कल रात्रि मेरी स्वप्न में एक सूंड वाला बच्चा आया था और उसने मुझे उठक बैठक करवाया। मेरे स्वप्न में भी
ऐसा ही बालक आया, बड़ा एक क्रोधित था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसने मुझे वृक्ष पर चढ़वाकर फल तुड़वाए और मुझसे जल में डुबकियां लगवाई। मैं उसे दूर जाने के लिए किसी भी मार्ग पर दौड़ता, परंतु पुनः उसके सामने ही आ रहा था। ऐसा चकरा गया कि मैं सारे मार्ग ही भूल गया। कान्हा, इन सबको कौन दिखा? श्री गणेश। अभी तो मैंने ये सब कुछ केवल स्वप्न में किया है, जब वास्तव में करूँगा तब और आनंद आएगा। अब मैं इन्हें सभी भगवान और मेरे अस्तित्व पर विश्वास करवा के ही रहूँगा। दाऊ, तैयारी करनी होगी। तैयारी तैयारी तैयारी, तंग आ गया हूँ इस शब्द से। करना क्या है वो बताओ। मैया से कह दो कि आज शीघ्र ही बहुत सारे मोदक बनाए। मोदक? वो क्यों? क्योंकि गणेश जी को मोदक बड़े ही प्रिय है। यदि उनके सामने मोदक का भोग लगाए तो वो बिना खाए रह नहीं सकते। अब जाइए। चलो टोली, मैया के पास जाना है और मैया को कहना है कि आज मोदक बनाए। मोदक क्या होता है? आहा, एक मीठा मिष्ठान जिसे खाने के पश्चात मन प्रफुल्लित हो जाता है और स्वाद ऐसा कि जन जन्मांतर तक याद रहे। एक बार खाकर तो देखना, मैंने जो कहा उसकी अनुभूति मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, आज मोदक खाएंगे। हाँ हाँ, सब खाएंगे मोदक। मोदक 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 मोदक। ये मोदक केवल मेरे लिए बनेंगे। तुम लोग खा के तो दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अरे बच्चों, क्या हो गया? आज बड़ी प्रसन्न लग रही हो तुम। तो स्वप्न देखा, कुछ मीठा खाना है। बच्चों, तुम लोग क्या कहना चाहते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुखिया जी, आप भी बताइए, वो कौन सी मिठाई बनवानी थी? वो हमें मोदक खाने की इच्छा हो रही है। मोदक? जी मैया। आज से पहले तो तुमने कभी मोदक नहीं मांगे, आज अचानक? हाँ, क्योंकि आज मैंने स्वप्न वो मोदक खाने की इच्छा हो रही थी, मन किया तो बता दिया। अब बना दीजिए ना मोदक। ठीक है बलराम, आज लड्डू जलेबी और माखन छोड़ के मैं तुम सबके लिए मोदक बनाऊंगी। ठीक है? ठीक है। परंतु मैया, हमारे लिए ढेर सारे मोदक बनाइएगा। ढेर सारे? ढेर सारे मोदक? अब तो आनंद ही आनंद आएगा। तुम ढेर सारे मोदक का करोगे क्या? क्या पूरे वृंदावन को तुम्हें? नहीं नहीं मैया, वो मोदक तो हमारी पूरी टोली खाएगी। क्यों टोली? हाँ। यशोदा मैया, बनाएंगे ना ढेर सारे मोदक? हाँ बलराम, तुम सबको जितने मोदक खाने हैं उतने बना दूंगी। तुम सबने कोई इच्छा व्यक्त की हो और मैं वो पूर्ण ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? ठीक है बच्चों, अब तुम सब जाके खेलो, हम जब मोदक बना देंगे तो तुम्हें बुला लेंगे। ये ये ये। चलो हम सभी खेलते हैं। परंतु खेलेंगे क्या? वृंदा, तुम ही बताओ। ये तो वो स्थान है जो मेरे स्वप्न में था। मेरे स्वप्न में मैं इसी स्थान पर थी, इसी स्थान पर मैं उठक बैठक कर रही थी। अब करके दिखाओ कैसे कर रही थी।